हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन दी सी सेक्शन ऑफ आवर टॉपिक एंड दैट इज शिफ पुली सिस्टम और ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम ऑफ पुलीज। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली दो सिस्टम्स ड्रॉ किया है मैंने। तो पहले सिस्टम में मैंने टोटल 6 पुलीज यूज़ किए। सो दिस पुलीज आर सिस्टमेटिकली जॉइंट विथ ईच अदर। सपोज कि ये हमारा एक फिक्स्ड बेस है, क्लियर। वहाँ से ये एक एक्सिस निकल रही है जहाँ पर मैंने पुली सेट किए हुए। तो तीन पुली यहाँ पर, दूसरे तीन पुली यहाँ पर सेट किए हुए, और नीचे लोड रखा है जो कि हमें खींचना है, वो लोड है हमारा, क्लियर। सो दिस पुलीज आर इन इवन नंबर। आप देखोगे तो यहाँ पर 6 पुलीज है, मतलब इवन नंबर, क्लियर। ऊपर के जो अपवर्ड 3 पुलीज आर नोन एज ब्लॉक एंड डाउनवर्ड 3 पुलीज आर नोन एज टेकल। यहाँ पर भी अपवर्ड 3 पुलीज आर कॉल्ड ब्लॉक एंड डाउनवर्ड 2 पुलीज आर कॉल्ड टेकल, क्लियर। इन दिस सिस्टम वी फिक्स्ड 5 पुलीज हियर, सो इट इज़ कॉल्ड ऑड नंबर मैकेनिकल एडवांटेज, क्लियर। सो अगर पहले यहाँ की बात कर लें हम, तो कैसे जॉइंट किया, कहाँ से स्टार्ट किया। तो यहाँ एफर्ट से हम अगर स्टार्ट करेंगे तो पहला पुली डायरेक्ट जाएगा नीचे, फिर यहाँ से दूसरा जो एंड है वो जाएगा यहाँ के सेकंड पुली पे, फिर सेकंड पुली का यहाँ से दूसरा एंड जाएगा यहाँ पे सेकंड पे, फिर सेकंड का यहाँ से जाएगा इसके फर्स्ट पुली पे, फर्स्ट पुली से यहाँ से फर्स्ट पुली, और फर्स्ट पुली यहाँ से हुक के साथ जोड़ दिया है, क्लियर। सो दैट्स दी होल डायग्राम हियर। सिमिलरली अगर ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर में कैसे ज्वाइन किया है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम एफर्ट वायर हियर वी ज्वाइन विद दिस सेकेंड, सेकेंड इज ज्वाइन विद अनदर सेकेंड, सेकेंड इज ज्वाइन विद फर्स्ट, फर्स्ट इज ज्वाइन विद फर्स्ट, फर्स्ट इज ज्वाइन विद हियर हुक, क्लियर। सो दिस इज ज्वाइन विद हुक लास्ट, एट लास्ट, क्लियर। सो दिस इज द होल डायग्रामेटिक डायग्राम हियर, ओके। नाउ यहाँ पर इफ़ आई पुट 3 सेट्स, मतलब कि जब कभी भी मैं 3 सेट्स जॉइंट पुलीज, देन इट इज कॉल्ड 3 शेफ पुली सिस्टम। और इफ़ आई टॉक अबाउट 2 पुलीज इन ईच सेट, देन इट इज़ कॉल्ड 2 शिफ पुली सिस्टम, क्लियर। अब 3 पुलीज इन द टैकल, वी हियर जॉइन 3 पुलीज इन ब्लॉक एंड 3 पुलीज इन टैकल। सो 3 सेट्स वी आर जॉइन इन ईच पुलीज, क्लियर। सो फॉर 3 पुलीज इन ईच सेट इट इज़ कॉल्ड 3 शिफ पुली सिस्टम, दैट्स ऑल, क्लियर। Okay, now we are moving on here again. E is called effort, L is called load, but यहाँ पर एक थोड़ा सा change है and that is N. N is the number of segments of row. N को हम लोग numbers बोलेंगे segments के। जैसे कि प्रीवियस जो हमने थियरी ली थी सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम में, उसमें कितने सेगमेंट्स थे, 2 सेगमेंट्स थे। यहाँ पर इस फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर देयर, देन व्हाट हैपेंस। सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम टोटल लोड, सो टोटल लोड में हम सभी टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स का सम कर देंगे, तो सारे स्ट्रिंग के टेंशन का सम कर देंगे, तो इट विल नाउ n into capital T, n number of segments are there, clear, okay. Now if we talk about effort, so effort matlab capital E we can say capital T, kyunki effort mein to ek hi tension lagega na, wo segments mein nahi hai, wo to sirf end mein hai,
ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल एडवांटेज। सब जगह पे हम लोग इसकी बात करेंगे, क्लियर। तो एडवांटेज क्या मिल रहा है? सो फॉर्मूला इज, वी नो दैट टोटल लोड अपॉन एफर्ट, सो एन टी अपॉन टी, टी विल बी कैंसल आउट, सो मैकेनिकल एडवांटेज हियर इज इक्वल टू एन। ओके, नाउ अहेड वी आर टॉक अबाउट वेलोसिटी रेशियो। अगेन वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला है सिमिलर, दैट इज डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट मूव्स अपॉन डिस्टेंस थ्रू विच क्या मूव करेगा, लोड मूव्स, क्लियर। सो दैट द फॉर्मूला ऑफ वी आर। अब इसको भी हम लोग फाइंड करेंगे। सो बाय वी आर इक्वेशन, वी आर इज इक्वल टू, वी नो दैट डी, डी इज द डिस्टेंस थ्रू विच द एफर्ट मूव, एफर्ट डी सिर्फ मूव करेगा, बट लोड की बात करें तो लोड डिवाइड हो जाएगा और सेगमेंट में उसका डिस्प्लेसमेंट डी बाय एन हो जाएगा। नाउ डी डी विल बी कैंसल आउट, सो एन इज गोज टू न्यूमरेटर, सो आंसर इज एन, क्लियर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ अवर मशीन कॉल्ड? सो एफिशिएंसी ऑफ द ब्लॉक एंड टैकल, दैट इज ईटा, एंड इक्वेशंस ऑलवेज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज इज एन, वेलोसिटी रेशियो इज एन, एन अपॉन एन इज वन। एफिशिएंसी वी ऑलवेज टॉक इन परसेंटेज, सो इफ वी गेट एफिशिएंसी वन देन इट इज इन परसेंटेज, दैट इज 100%, क्लियर। सो अगर 100% आया तो सिमिलरली तुरंत लिख लो कि इट इज आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। यस, इट इज आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, क्लियर। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन अगेन एल बाई ई फॉर्मूला, एंड दैट इज अवर एम, वी नो इट। एल बाई ई फॉर्मूला कहाँ से आया? तो आगे ही मैकेनिकल एडवांटेज में ये फॉर्मूला हमने फाइंड की, क्लियर। ओके, नाउ व्हाट इज एल? एल वी नो दैट लोड प्लस वेस्टेड लोड बोल सकते हैं एक्स को, अपॉन ई इज इक्वल टू एन। अगेन एलसीएम को सब जगह डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करते थे हम लोग, हर बार एल बाई ई को सब्जेक्ट बनाओ, एन माइनस एक्स बाई ई, क्लियर। व्हाट इज एल बाई ई? एल बाई इज अवर अम्मा, अम्मा इज इक्वल टू एन माइनस एक्स बाई ई। अब लास्ट में ये भी लिखते थे कि इफ एक्स बाई ई, इफ एक्स बाई ई इज पॉजिटिव देन एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज विल बी क्या लिखेंगे, लेस देन एम, क्लियर, सिंपल। सो दैट्स दी अवर थर्ड शिफ्ट, क्या बोलेंगे उसको, शिफ्ट पुली सिस्टम, क्लियर। ओके, नाउ यहाँ पर एक दो बातें हमें समझनी है। वो उसमें से जो पहला पॉइंट है वो अगर पहले समझेंगे तो फर्स्ट पॉइंट कि वेन एवर मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑलवेज इवन नंबर। सो यहाँ पर लिखेंगे कि इन फर्स्ट फिगर मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑलवेज इवन नंबर। मैंने आगे ही लिखा है डायग्राम में, इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 एट्सेट्रा, क्लियर। सो दिस विल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पुलीज इन द ब्लॉक एंड टैकल। अगर हमने सभी बराबर लिया तो फिर हमें आंसर में इवन नंबर मिलेंगे। बट यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज द इफ टैकल हैव पुली हैव वन पुली
लेस देन द ब्लॉक, मतलब कि अगर टैकल में एक पुली कम है ब्लॉक से, देन आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑलवेज ऑड नंबर्स. आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑलवेज ऑड नंबर्स में मिलेगा. कैसे? अगर टैकल में एक पुली कम हुई ब्लॉक से तो ऑड नंबर्स सच एज 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा. क्लियर? सो थैंक यू गाइस लिसनिंग टिल द एंड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.